दर्शस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस किस के आगाज में अर्थ साहब उस्मान को एक गार में ले आए थे और उस्मान बेहोश था अर्थ साहब कहते हैं मेरे सबसे प्यारे बेटे अगर मैंने तुम्हारा इंतकाम ना लिया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा दूसरी तरफ अलीज शिकार कर रहा था अलीज कहता है ये पहाड़ ये जंगल ये नदें हमारे लिए तोहफा है अर्तरों को मारने के बाद ये सारा शिकार हम हासिल करेंगे अली जज कहता है सबसे बड़ा शिकार तो अर्तुल है फिर अली जज पूछता है कि शमन की तरफ से कोई खबर आई है अर्तुल का बेटा कैसा है क्या उसने सम्मान की रूह हासिल कर ली है सब कहता है शमन अपना काम जानता है उसने ये काम कर लिया होगा हमारे आदमी उसकी तरफ गए हैं अली जज कहता है अर्तुल के बेटे और शमन को कल सगोद बुलाओ ताकि अर्थु का बेटा उसको ना पहचान सके दूसरी तरफ अलीजग के सिपाही शमन के ठिकाने पर पहुंच चुके थे वहाँ की सूरत हाल देख चौंक जाते हैं हर तरफ मंगोलों की लाशें पड़ी हुई थी इसी दौरान अर्थु के छुपे सिपाही बाहर आने लगते हैं। देते हैं। पामसी कहता भाई मैं इनको मारते मारते थक चुका हूं। लेकिन इनका तो खात्मा ही नहीं हो रहा ये किरो की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं तुरगुत कहता हम कल शाम तक यही और सलजान खातून का एक कबीले वापस पहुँच चुके थे लेकिन के आदमी उनका मरकजी हॉल के सामने इंतजार कर रहे थे ये हेमा खातून को रोकर कहता है आपके लिए दाखिला बंद है हेमा खातून कहते है क्या मतलब है इसका इतने में शरमा खातून भी आ जाती है, है खातून कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ लेकिन यनाल आगे से नहीं हटता खातून कहती है कई वाले इस मरकजी हाल में दखल नहीं हो सकते सलजान खातून कहती है हमें अपने सरदार के फेहमे में जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है शरमा खातून कहती है ना तो अभी आपका कबीला है और ना ही ये आपकी जगह ये उमर कबीले के सरदार आला की जगह है, है खातून कहती है अपनी जुबान बांध रखो ये मेरे सरदार सुलेमान शाह ने हमारे लिए छोड़ा है यनार गुस्से से कहते है अपना वक्त जाया मत करो शरमा कहती है अभी अली कलीने तैयार नहीं हुई हैं जो हलागू खान को भेजनी है सरजान खातून गुस्से से कहती है हलागु खान जाए जहन्नम में हेमा खातून सरजान खातून को रोक लेती है और कहती है ये ऐसी बातें इसलिए कर ताकि तुम्हें गुस्सा दिलाए हमारा वक्त भी आएगा ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है इसके बाद रात का वक्त हो जाता है और अर्तू सबार में नमाज अदा कर रहे थे इसके बाद वो दुआ मांगते हैं या अल्लाह तो हर चीज जानता है तो दिलों के राजों को जानता है मेरा दिल अपने बेटे के लिए तरप रहा है तूने तो हजरत इस्माइल को चाकू से बचाया हजरत इब्राहिम को आग से बचाया और हजरत यूसुफ को कुएं से बचाया तो अपने गुलामों पर ज्यादा पोच नहीं डालता मुझसे मेरे बेटे का इम्तिहान मत ले ये कहकर अर्तुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं इसके बाद लबके किले का मंजर दिखाया जाता है सपोताई किले पहुंच चुका था सपोताई कहता है माना अली जज कल तुमसे मिलना चाहते हैं उरानूस कहता है उन्हें हमारी शराब बहुत पसंद आई होगी इसलिए वो यहाँ आ सकते हैं सबताई कहता है यहाँ नहीं सगोत में उन्ता है वहाँ क्यों कमांडर सबताई कहता है वहाँ बहुत अहम मामला है 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 कहता ठीक फिर सबताई वहां से चला जाता दूसरी तरफ के सबोता में सलमान खा बहुत परेशान थी और कह रही थी मैं हैरान हूँ लेकिन सलमान पता नहीं कहाँ गया होगा फिर हेमा खातून हकीम हरतु कहते हैं कि हमारे सिपाहियों को कहें कि वो सलमान को तलाश करें हो सकता है वो उमर कबीले के सिपाहियों से पहले उन्हें तलाश कर लें इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है अर्तु साहब लिख रहे थे इतने में उस्मान होश में आ जाता है। ये अर्तु फौरन उस्मान के सिपाही भी आ जाते हैं अर्तु कहता है देखो उस्मान बेटा मैं तुम्हारा बाबा हूँ लेकिन उस्मान खाली खाली नजरों से उन्हें देखने लगता है ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं फिर बामसी भी अपना तारुफ करवाता है दूसरी तरफ अलीजाज दोबारा से गोद पहुँच जाता है उसे दोबारा कहता है अलीजाज कहता है पहाड़ों और जंगल में रहने से मेरी रूह ताजा हो गई है लेकिन मैं यहाँ फिर इन लांति पत्थरों में आ गया हूँ सबोता कहता है अगर अर्तुल हमारी मतलूबा चीज हमें दे दे तो हम इस जगह को तबाह करके यहाँ अपने खैमे गाड़ देंगे अलीजाज कहता है अब देखते हैं कि अर्तुल अपना वादा पूरा करता है कि नहीं अगर अर्तुल ने अपना वादा पूरा ना किया तो हम हर चीज को तबाह कर देंगे तुमने बहुत जल्द अपना नया निजाम कायम कर लिया है बेबोरख हर तरफ तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो रहा है बिबोरख कहते हैं है, वक्त जया नहीं करना चाहता था यहाँ के लोग डरे हुए थे अली जज कहता है यहाँ के लोग हमारे लिए बहुत मुनाफा बख्श है लेकिन ये हमारे लिए काफी नहीं है अली जज कहता है हमें इनका इतमान चाहिए बिबोरख कहता है वो कैसे होगा अली जज कहता है हम इनका मजहब तब्दील करवाएंगे ये सब गोद को अपना खुदा मानेंगे क्या ये मुश्किल है बिबोरा कहता है मुश्किल नहीं नामुमकिन है तुम कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ लड़ रही हो तुम उन लोगों के मजहब कैसे तब्दील करवाओगे जो अपना मजहब छोड़ने के बजाय मरना पसंद करेंगे वो लोग जो अपने कुरान और अजान के लिए अपनी जाने दे देते हैं तुम उनका मज़हब कैसे तब्दील करवाओगे अली जज कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम हमारे दुश्मन हो ये मत बोलो की तुम भी हमारे साथ हो तुम अच्छी तरह जानते हो किन लोगों के साथ क्या करना है बिबोरा कहता है मैं ये जानता हूँ की मैं आपका एतिहादी हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी की खातिर अपने बाप के खिलाफ भी जा सकता हूँ दूसरी त्यौहार तो में अर्तु साहब कहते हैं बोलो बेटा उस्मान कहता है मैं अर्तुबा का बेटा उस्मान हूँ मैं कभी मंगोलों के खेल से नहीं डरता ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं फिर उस्मान पूछते है हमारा कबीला कैसा है बाबा मेरे भाई कैसे है मेरी दादी का क्या हाल है अरतुल कहता है सब ठीक है मेरे बेटे तुम परेशान मत हो इसी तरह दर्ग्योज वहां से गुजरता है अलीज दरग्योज के कहता अंदर जाकर गोश्त पकवाओ लेकिन तुम उसको हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा दरगेज कहता है फिर अली अंदर चले जाते हैं इसके बाद अली जज अंदर चला जाता है अली जज को देख के सब लोग खड़े हो जाते हैं लेकिन एक मौलवी साहब खाना खाने में मसरूफ होते हैं अलीज पूछता है ये कौन है ये खड़ा क्यों नहीं हुआ अभी बोरा कहता है ये सोगत के अमाम है अली जज इमाम से पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो इमाम साहब कहते हैं जी मैं जानता हूँ मासूमों के कातिल शहरों को तबाह करने वाला अली जाज। तो फिर तुम खड़े क्यों नहीं हुए मौलवी कहता है मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता हम सिर्फ अल्लाह के अतायत करते हैं और झुकते नहीं है हम सिर्फ अल्लाह के अतायत करते हैं और एक काफर के लिए हम हरकत में नहीं आते फिर अलीजाज कहते हैं हमारे अख्तियार और ताकत के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या तुम्हे डर नहीं लगता इमाम साहब कहते है मैं जिस ताकत और इख्तियार को जानता हूँ वो अल्लाह तला की है और हमारे पैगम्बर का अख्तरात है और जहाँ तक तो तो तुम्हारे ऐजाब की बात है हम सिर्फ अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं जो इस दुनिया का फालिक है ये सुनकर अली जज मुस्कुराता है और इमाम साहब की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है आप बताओ तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा इमाम साहब कहते हैं वो अल्लाह जो मेरी शारख से भी ज्यादा करीब है ये देख कर अलीजता हैरान हो जाते हैं फिर इमाम साहब कहते हैं ये दुनिया तुम्हारे लिए घर है लेकिन हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है जितने ज्यादा तुम धोखेबाजी के शौकीन हो हम उतने ही ज्यादा शहादत के शौकीन है आज तुम अपनी फौज और अपने हथियारों से किसी भी इलाके को तबाह कर सकते हो लेकिन सुर्ख रूह हम होंगे इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी फिर अली जज खड़ा हो जाता है और कहता है ये किस तरह का दीन है ये किस तरह का ईमान है इमाम साहब कहते हैं हमारी रहनुमाई वो आयत है जो कहती है अल्लाह उनके लिए काफी है जो उन पर अतमाद रखते हैं तुमने तो अपने आप को अल्लाह के एजाब के सामने खड़ा कर लिया है फिर मोदी साहब वहाँ ऐसी रवाना हो जाते हैं तो वे बौरव कहते हैं मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए थे कि मेरा मतलब क्या था अली जज कहता है जब तक हम इन लोगों के मान को नहीं तोड़ सकते तब तक हम यहाँ हुक्मरानी नहीं कर सकते है दूसरी तो तरफ अरतुल उसके साथी गार में मौजूद थे बामसी कहता है वो शैतान अली जज हमारा इंतजार कर रहा होगा सरदार क्या हमें जाना चाहिए कहता है तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगे बामसी तुम लोग यही रहोगे मैं अकेला जाऊंगा तुर्गुद कहता है आप जाल की तरफ तो जा रहे हो सरदार अर्तुल कहता है जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा तुम लोग यहाँ आसमान का ख्याल रखना अब्दुल पूछता है इसके बाद हम क्या करेंगे सरदार क्या हम सगोद को वापस लेंगे फिर अरतुल एक नक्शा निकालता है और कहता है हमारा मकसद सिर्फ सगोद को हासिल करने का नहीं है बल्कि एना को हासिल करने का है और फिर हमारा अगला हदफुन तुनिया होगा दूसरी तरफ सगौत में उड़ानुस अपने सिपाहियों के साथ सगौत पहुंच जाता है तो मोहतात रहना इसके बाद उड़ानोस वहां से चला जाता है तो अर्तुल सगौत पहुंच जाता है दर्ग्योस कहते हैं उनके आदमी हर तरफ है हजूर ये आपको मारने की कोशिश करेंगे किस्मत एक आदमी को उस मौत से बचाते है ये कहकर अर्तुल आगे बढ़ने लगता है सगोता कहता है अपनी तलवार दे दो अर्तुल अपनी तलवार ऐसी बताकर देते हुए कहता है इसे आखिरी मतवा देख लो क्योंकि जब अगली दफा ये दुम ऐसी निकलेगी तो तुम्हारी मौत होगी वादा पूरा किया अर्तुल आखिर तुम वो चीज ले जो हम चाहते थे अब तुम इसके बदले अपना बेटा लेना चाहते हो गए ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है इतने में अर्तुल साहब के दो साथी मंगोलों के बेस में अंदर दाखिल होते हैं फिर अली जब संदूक खोलता है तो उसमें दुआ से गाने वाले शमन की निशानी पड़ी हुई थी ये देखकर वह वो सर गुस्से में आ जाता है अर्थू साहब कहते हैं मैंने अपने बेटा हासिल कर लिया है अलीजाज कहता है तो तुमने समन को मार दिया है इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी अर्तू साहब कहते हैं तुमने मेरे साथ मुहिदा किया था अब तुम मुझे मारने का इरादा बना रहे हो अब तुम्हारे ख्याल में कीमत कौन चुकाएगा और यहाँ पर इस किस्त का अख्तितम हो जाता है देर से ले आती थी क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी सीधे रात ज़्यादा हैदराबाद में माहौल एक बहुत ही प्यारी बेटी थी वो अपने वालदेन के अखरूती बेटी थी वो रोज़ाना से बाद स्कूल जाती और घर वापस आकर काज में अपनी माँ अम्मी का हाथ बताती थी एक दिन महीना स्कूल खैर से पहुंची तो टीचर ने उसे मार बहुत डांटा और वक़्त पर आने की तकीद की लेकिन अब तो रो, रोज़ ही होने लगा महान सबसे आखिर में स्कूल पहुंचती और मुझसे खूब डांट खूब डांट खाती लेकिन असल वजह नहीं बताती थी कि किए उसे बहाना ना समझ लिया जा जाए फिर महान पूरे एक हफ्ते स्कूल जा ना ही बच्चे मुख्तलफ बातें करने लगे और जाना टीचर से लेट आने पर डांस खाती थी।, थी हो सकता है कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया हो लेकिन आखिर एक हफ्ते के छुट्टी के बाद वहाँ स्कूल आ गई अब आज वो क्लास में सबसे पहले आई थी जल्दी है टीचर क्लास में टीचर क्लास में दाखिल हुई तो सब बच्चों ने उठकर उन्हें सलाम किया मिस ने सलाम का जवाब दिया और भाई महाना को देख कर चौंक गई उन्होंने माना को अपने पास बुलाया और कहा पैसा तो तुम रोज़ाना स्कूल देर से आती थी और आज पूरे एक हफ्ते के बाद आई हो दिल भर गया तुम्हारी छुट्टियों से इस गुस्से में उसे नाचे जा रही थी और माना की आंखों से आंसू बह रहे थे उसने मिस से कहा मिस मैं आज कहीं ना जाती कुछ कहना चाहती हूँ हाँ क्या है? इसने गुस्से से कहा मिस मिस ने गुस्से से, से कहा मिस मैं देर इसलिए आती थी क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी मेरा कोई भाई या बहन नहीं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं नाश्ता तैयार करना और माँ को दवा देने की वजह से मैं देर आती थी फिर माँ का इंतकाल हो गया और इसलिए कई दिन स्कूल ना आ सकी आंदा हमेशा वक्त पर आया करूँगी क्योंकि अब मैं माँ की खिदमत नहीं कर सकूँगी मांना की बात सुनकर सब ही बच्चे अफ़सोस करने लगे और मिस भी बहुत शर्मिंदा हुई मांना ये सब बता कर रोज़ रोज़ से रोने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी <laughs> बंदर अब डरते डरते राज के गर्दों पर फिसलने हुए उसके पेट पर सवार हो गया और असर उन्हें ले लिए हुए तेज रफ्तार से वहां से घुस गया एक जंगल में बंदरों का एक टोल टोली रहती थी एक टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती थे और उनकी माँ बाप भी उनकी तरह उन शरारतों से तंग आ गए थे इसी जंगल में एक नन्हे सराग श्राफ भी रहते थे वो बहुत ही सीधे साधे और भला भुला भाला बच्चा थे एक दिन घास चढ़ते चढ़ते वो जंगल के इस हिस्से में आ गए जहाँ बंदरों का ये बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में ममकिन थी उसे छोटे शरारती बंदरों ने शरा स्रा, शराफ स्रा, को देखा तो उन्हें हैरान होने लगे क्योंकि उनके उन बच्चों ने कभी ऐसे कोई भी जानवर बंदर के एक बच्चे ने कहा अरे देखो तो कितना अजीब व गरीब जानवर है आओ इसे चीखते हैं दोनों बंदर को कूदे फेंकने कूदते फलाने इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जराफे अपने पत्ते खा रहे थे जल्दी है इस दरिया की एक शाख पर बैठ कर दोनों द्रा, ने ज़राफ़ के कहा है लम्बो लम्बो तुम्हारा क्या नाम है ज़राफ़ ने बड़ी नरमी से कहा मैं ज़राफ़ हूँ क्या मुझसे दोस्ती करोगे तुम लोगों का नाम है क्या नाम तुम लोगों का नाम क्या है दोनों बंदर शरार दोनों बंदर शरार शरारत से खिलखिलाओ हंस, हंस पड़े और कहने लगे कि तुम से हम क्यों दोस्ती करने, लग, करने लगे कितने बदसूरत हो तुम नार की जैसे गर्दन और सिदार की जैसे पैर हमें नहीं करनी ऐसी बेठंड की जानवर से दोस्ती दोनों बंदर जराफ को छाने लगे एक बंदर ने दरख्त से एक पक्का हुआ फल तोड़कर कर जराव पर फेंक मारा फेंक फल जराफ के मुंह पर लगा तो फूट गया और इसका रस और गोदजराफ के चेहरे पर फैल गया ये देखकर दोनों बंदर के के मारक हंसने लगे और उड़ते फैलाने लगे वे वहां से भाग गए जरा बेचारा रो रोना रो होकर रुमानसा होकर रह गया और मुंह लटका वहां से चला गया एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि दोनों शरारती बंदरों ने जरूर कहा तो वो दोनों ने पेड़ किधर गया जब उन्होंने दोनों की भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ के पत्तियां और फल फ्रुख्त खा लिए उन्होंने इस तरह घूमते फिरने घूमते फिरते ने और मौज मस्ती करने में बड़ी मज़ा आ रहा था दोपहर हो चुकी थी वो दोनों गर्मी से पक्षी ले के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाप कर बैठ गए एक दरख्त के नीचे एक शेर आ रहा आकर रहा था पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी बंदर ने बंदर उस हान मंजर में ऐसे के उन्होंने एक बात का एहसास ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर पीट हुआ मक्खियों को उड़ाने के लिए कराया तो मंदरों ने शेर को देख लिया शेर को देखते ही वो बड़े तरह डर गए कुछ ही देर बाद उन्होंने ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूस हैं चाचा उनके अंदर शराब कोत कोत कर भरी हुई थी इस, इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सोचने सोचने लगे उन दोनों शर्ती मंदरों ने आंखें आंखें ही आं, आंखों ही आंखों में इशारा किया और द्रक्त का एक फल तोड़ कर नीचे दिया सीधा शेर के नाक लेकिन वो ज्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आप, आप से बाहर हो रहा था उसने गर, गरज दरज बाजों में डराते हुए कहा कि तुम एलुम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ फौरन उस दरख्त से नीचे उतर तो मैं तुम तो दोनों को खाकर इस गुस्ताखी से गुस्ताखी की सजा दूंगा बंदरों को फिर हंसने आ, आ गई उन्होंने यकीन फिर था कि हम दरख्त पर महफूज़ हैं शेर उनके इस तरह दोबारा हंसते हुए देख कर गुस्से से आग हो गया और अपनी प्यार के समय की अपनिंग की तरह तेजी से छलांगे इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर के जबरा हुआ, हुआ है और और उसने तेज दांत इस तरह इस इनकी तरह इनकी हैं वो बड़ी तेजी से उछलता हुआ बिल्कुल उनके करीब आ गया वो दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारते दूरी की दूरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लपक गया शेर ने छलांगे तो बहुत लगाई थी लेकिन जब शाख पर वो दोनों बंदर बैठ दे दे थे शेर वहां तक ना पहुंच सका शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई बंदर की हालत बड़ी पतली हो गई थी वो डर के बारे चीखने चलाने लगे लेकिन वहां उनके पुकार सुनने वाले कोई भी ना था वो तो टोली तो और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आई थी इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगा कर इस पर चले जाए ना और ना ही इस दरख्त के के जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंची ऊंचाई की तरह कोई मजबूत शाख भी इस जिस पर जाकर वो बैठ सके यूं समझ लिया कि शरारत और नाफरमानी बं बंदर आज बुरी तरह फंस गए हैं थे वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ समझ ना दिए जा था कि यकीन ठीक उनके कानों में धमकी से आवाज़ आई कि घबराओ मत मैं तुम दोनों को यहां से निकलवा कर ले जाऊंगा छुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर वो वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इस जिराफे का सर निकल रहा था जिसका उन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक रहा था बंदर ने इस दूसरे के से देखा देखा कि आज वहीं जिराफा हमारी जान बचाने के लिए तैयार है इस को उस दिन की शरारत और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं था दोनों बंदर ने अपनी निगाह नीचे कर ली इजाफे ने कहा मेरे दोस्त तो जल्दी करो अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हमें तीनों को खा जाएगा बंदर अब डरते डरते जराफे के गर्दन पर फिसले हुए उसके पेट पर सवार हो गया जिलाफा उन्हें ले लेते हुए तेज़ रफ्तार से वहाँ से खिसक गया शेर के पहले तो पता नहीं चला सका कि क्या माजरा है लेकिन जब उसने जराफे की पेट पर सवार होकर देखा तो बंदरों को भाग और देखा तो उसने ए हुए उनका पीछा किया बंदर ने पीछे करता हुआ शेर को देखा तो उसकी चीख निकल गई और वो बड़ी तरह चीख चला शेर पूरी कुत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा था और जा रहा था इजराफे ने बंदरों को समझाया कि दौड़ दौड़ने की कोई बात नहीं अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सके और सचमुच हो सच मुझ हवा भी ऐसी ही कि जराफे ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया एक महफूज जगह पर पहुँच कर जराफे रुक गया अब अंदर छलांग लगा कर उसकी पीठ से नीचे उतर आया था अब जराफे ने उन दोनों से कहा इस दिन इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना आज देखो लेकिन देख लो ये ना कि उनकी वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है लंबी गर्दन की वजह से ही हम मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका और लंबी टांगों की वजह से तेज़ दौड़ सका बंदर इस पर कहने लग सकते थे वो दोनों क्या कह सकते थे वो दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका ली और खमोश रहे उनकी ये हालत हालत खमोशी और शर्मिंदगी की को देख अजराफे ने हंसते हुए खुद खुद कहा कि चलो छोरो इन बातों को भूल जाओ पिछले कस्बे को अब बाद से तुम दोनों मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना ज़राफ़े की ये भलाई देख कर दोनों शरारती को अपने रिश्तों पर सख्त गुस्सा आने लगा के उन दो, उन लोगों ने इतनी अच्छी और प्यारी जराफे को क्यों सताया था और उनका मजाक क्यों उड़ाया था इन दोनों ने ऐसे वक्त ज़राफ़े से माफ़ी मांगी ज़राफे ने कहा दोस्तों माफ़ माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं इतने बड़े दिल वाला ज़राफे की ये बात सुनकर उन दोनों शरारती चूहों ने फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और ना किसी का मजा... और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे उन्होंने जराफे से कहा कि हमने जान बूझ कर बहुत सताना था, था। आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे और ना किसी को बुरा भला कहेंगे आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्तों दोनों बंदरों को ये बात सुनकर ज़राफे की बड़ी खुशी हुई और वो हंसते खुशी रहने साथ रहने लगे खेती बाड़ी में तुम इस कदम मेहनत करते हो कितना कुछ कमा लिया है कमा लेते हो हरीम खान नार्था कराची बार में हैदराबाद वक्न से सात मील दूर कोकलिंडा नामी एक शहर है जहाँ एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था सुबह का वक्त था इलाके की वहाँ से गुजरी किसान का मेहनत से काम करते हुए देखकर कर नवाब ने सोचा कि किसान से इसकी खैर प्रया करनी चाहिए वो घोरों से उतरे और खेत के किनारे कर किसान से पूछा क्यों भैया खेत तुम कर... इस कदर में करते हो कुछ कमा, ले... कुछ कमा लेते हो कुछ फायदा भी होता है या नहीं किसान ने सर उठाया नवाब से कहा फायदा क्या जनाब फसल कटने काटने के बाद इसके चार हिस्से कर लेता हूँ नवाब ने फिर पूछा अच्छा तो ए, ए, इन चारों हिस्सों को खर्च कैसे करते हो कैसान ने जवाब दिया है, एक हिस्सा तो हुकूमत के टैक्स में चला ज, जाता है जल दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में ख़त्म हो जाता है तीसरा हिस्सा उधार देना हो और बाकी चौथा हिस्सा यूं मैं यूं डटा देता हूं नवाब नवाब को किसान की अजीब अगरीब बात सुनकर बहुत तजीब हुई हैरानी से पूछा तुम्हारे बात मेरी समझ में नहीं आई साफ साफ बताओ तुम कर्ज़ चुकाते भी हो और देते भी हो ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पर अदा करते हो और फिर भी ख़त्म नहीं होता और वो कौन है जिसे तुम हमेशा कर्ज देते हो और फिर एक चौथाई चौथा रकम तुम यूं ही उड़ा देते किसान ने जवाब दिया जनाब बात दरअसल ये है कि मेरे वाले ने एक साहू कार से रकम उधार ली थी वाले वालद के मरने के बाद उसका शोध में मैं अदा करता हूँ एक हिस्सा टैक्स लेकर दूसरा हिस्सा अदा हो जाता है और तीसरा हिस्से कैसे दे देता हूँ नवाब ने पूछा किसान ने कहा यह मुझे अपनी दो लड़कों पर खर्च करता हूँ ताकि बुढ़ापे में वो मुझे पर खर्च करें क्यों नवाब ने पूछा और ये एक हिस्सा फसूल क्यों रख देते हो किसान ने कहा मेरी एक लड़की भी है आपको पता है कि आजकल कल के बना शादी नहीं होती और जहीज़ एक फजूल रस्म है चौथा हिस्सा इसके, इसके लिए रखता हूँ मेरे निज़ाम नज़र में यह रकम लटा रही हो है नवाब उसकी बदली ली गुफ्तु से बहुत मुतासर हुआ और एक बड़ी रकम उससे नाम के तौर पर देकर रखसत हो गया ये सुनकर असलम के अबू की आँखों आँखों आंसू से भर गई और उन्होंने जवाद के अबू का बहुत शुक्रिया अदा किया इसे और, से और उससे असलम और जवाद की दोस्ती मजबूत हो गई तो भी सदीक जरा वाल असलम एक करीब लेकिन हमारा तलेब एक था उसके बाल एक दुक, सी दुकान पर काम करते थे उनकी तंजीब भी काम थी स्कूल में असलम का एक दोस्त जवाद जवाद था जो अबीर घरवाने से तल्ल रखता था एक रोज़ असलम के बाल सड़क के हादसे में जख्मी हो गए मजूर हो गए अगले दिन असलम गया तो किसी भी काम में उसका दिल ना लग रहा था वो सारा दिन परेशान बैठा रहता उसके दोस्त ने जब उससे ने जब उस ये हालत देखी तो पूछे बगैर ना रह सका असलम की असलम क्या बात है तुम तो मुझे कुछ परेशान लग रहे हो जवाज ने वो पूछा कुछ नहीं बस थोड़ा सा सर दर्द है असलम लट लट टालना चाहिए अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी मखसूस दोस्त हूँ मैं जरूरत तुम्हारी मदद करूँगा जवाब से अपने दोस्त की परेशानी देखना गई उसने फिर का पूछा असलम ने सोचा कि वो अगर जवाद को अपना सारा मसला बता दे तो शहीद उसके दिल का बोझ कुछ कम हो जाए असलम ने अपने अबू जान के बारे में सारी बात जवा को बता दी और साथ ये भी बताया कि काम पर नान जाने की वजह से उसका वालद का तनख्वाह तो भी नहीं मिल सकेगी जवाद को असलम के वालद के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ मेरे दोस्त तुम परेशान मत हो मैं अपने अबू से बात करूंगा वो जरूरत तुम्हारे बसरे का कोई हाल निकाले निकाल लेंगे जवाद ने अपने घर पहुंचा और अपने अबू को असलम के बारे में सब कुछ बताया ये सुनकर कुछ ये सब कुछ जानकर जवाद ने अपने जवाद के अबू का दिल भी गम से भर गया और उन्होंने असलम के मदद के करने का फैसला किया अगले रोज़ द्वार की छुट्टी थी अचानक असलम के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई असलम ने दरवाज़ा खोला तो सामने जवाद के अबू अपने जोध के अपने अबू के साथ खड़ा देख कर बहुत खुश हुआ और उनके अंदर ले आया जवाद के अबू ने बात शुरू की और असलम के अबू की तसली दी आप बिल्कुल ना घबराएं जब तक आप मुकम्मल सेहत याब नहीं हो जाते घर के खर्च खर्च की तरह से बेफिक्र जाए का खर्च और असलम की फीस का बंदोबस्त भी हो जाएगा हम कोशिश करेंगे कि आपके घर का पूरा तरह से ख्याल रखें ये सुनकर असलम के अबू की आंखों आंखें आंसुओं से भारी गई और उन्होंने जवाद के अबू का बहुत शुक्रिया अदा किया और इससे असलम और जवाद की दोस्ती मजबूत हो गई बबलू ने रोज रोजा रखा रखने की हाँ की के सब घर वालों का लाजवाब कर दिया मोहम्मद अलीम नजाम अपनी अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान मैं रोज़ा रखने नहीं रखूँगा अम्मी जान की आवाज़ पर बबलू चलाया लेकिन बेटा आज से रमज़ान मुबारक आगाज होना चाह वो हो चाहता है और पहला रोज़ा हर बच्चे को रखना चाहिए बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि तमाम रोज़े रखने के बच्चे अपने अल्लाह को खुशी और राजी करें अम्मी जान ने बबलू को नसीहत की करते हुए कहा अम्मी जान आज कल से गर... सख्त गर्मी सख्त गर्मी का मौसम है बच्चे तो क्या बड़े लोग भी रोजा रोज़ानी रे छते हैं और मैं तो सिर्फ़ अभी दस साल का हूँ बेटा दस साल की उम्र है मैं हर बच्चे को फ़र्ज रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला का कम है अगर अम्मी जान मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रजमान रमज़ान और मुबारक पूरे रोज़े रखूँ अम्मी जान ने बबलू को इस बात पर नकाराज होकर इजहार होकर कहा देखो बेटा जो बात बच्चे या जो लोग रोज़ा रखने की नीयत कर लेते हैं अल्लाह ताला ख़ुद ही उन इतनी ताकत ताकत अता कर देता है कि जब वो रोज़े रोज़े का एहतमाम करते हैं तो खुद ब खुद ही उनमें इतनी सख्त पैदा हो जा सख्त पैदा हो जाती है कि सहराई के वक्त वा, के से लेकर अफ्तारी तक उन्हें रोज़ा कुछ नहीं कहता बल्कि जब बच्चे और बड़े रोज़ा रखते हैं तो उन्हें एक किस्म का रूहानी खुशी हासिल होती है बबलू ने किसी हद तक अपनी अम्मी जान की, की बात से इतफ़ाक मगर साथ ये भी कहा कि देखो अम्मी जान रोज़ा रखने के लिए तो भी सारी उम्र पड़ी है मैंने गर्मी सर्दी में स्कूल भी जाना जाना होता है स्कूल के काम भी पाँच छः घंटे लगा के स्कूल के काम में पाँच छः घंटे लगते लगाने होते हैं फिर सख्त धूप और जे अबस में गर्मी घर गर वापस आकर किसी तरह मैं रोज़ा बर्दाश्त करूँगा अगर आपने मुझे रोज़ा रखने ही दिखवा दिखवाना ही है तो फिर एक वहाँ के लिए स्कूल से मुझे छुट्टी ले दें मैं रोज़े की हालत में घर में बैठकर या लेट कर सारा दिन गुजार लूँगा यूँ आपको भी मुझसे कोई शिकायत नहीं अम्मी जान बबलू की ये बात सुनकर कुदरत कुदरे गुस्से में आ गई और उन्होंने बबलू को बात बात काटते हुए उसे कहा बबलू देखो बबलू मियां तुम अक, अकेले ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमान बच्चे अपने स्कूल में माँ तुम्हारे जैसी उम्र के मुताबिक जाते हैं उन्होंने रोज़े भी रखे होते हैं और तमाम ज़िंदगी के काम भी करते हैं स्कूल के काम के अलावा शहराई शहरी से लेकर रफ्तारी तक अल्लाह तबादत करते हैं पांच वक्त की नमाज़ अदा करते हैं तलात कुरान पा करते हैं सा, सा, साथ है गहरी काम काज भी में भी हिस्सा लेते हैं इसके बावजूद है। वो खुशब हराम और ताज़ा दम रहते हैं फिर तुम्हें क्या कबा कबात है कि तुम एक रोज़ भी रोज़ा भी नहीं रखने के रखने को कह रहे हो तीस रोजे तो दूर की बात अमी जान की ये सब सबक अम्बूज़ बातें सुनकर बबलू को खुशीदी हुई और उसने अमी जान की बातों ने में अपनी बहानी डालते हुए कुदरत खुशी से कहा कि देखो अम्मी जान आपको रोज़े के मतलब बातें मुझे दिल व दिमाग में शरात कर गई हैं और मैं इन बातों से बहुत मुतासर हुआ हूँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज पहला रोज़ा रखूँगा और इन श्ला सारे रोज़े पूरे करके अपने अल्लाह अपने अल्लाह अम्मी अबू और बहन भाइयों के को भी खुश करूँगा बबलू ने रोज़े रखने की यहाँ के के सब घरवालों को लाजवाब कर दिया आमरपुरी सेहत में पर गया और उसे नशे की निश्य की लेट पर पर गई जरा खूं आमाम ज़ैफ़र अबर हमेशा अपने वालद की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता सब घर वाले उसकी वजह उसकी इस आ, आदत पर बहुत तंग थे वो दिन के सारे जमा पूछ एक नक्शे के बुरे आम में सिर्फ कर सिर्फ कर देता उसका एक ही भाई उमरान था जो बहुत मतीजा था अमर के वाल तीन साल पहले वफा पा, पा गए उनके वफात के बाद इमरान ने अपनी तलीम छोड़ कर घर का संभाल लिया वो सेबा सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाते और शाम को वापस लौट आते लेकिन अमर बुरी सेहत में भर गया और उसे नशे की लेट पर गई इस इसके घर वालों ने उसे कुछ समझाया लेकिन उसके कान पर जोश तक ना रही उसके दोस्त उसके घर गर, घरों गरौ, घर गरौ, वालों के खिलाफ हालात हुए और उनकी बातों में आ जाते एक रोजा भर नशा के नशे के करके रात को देर से घर पहुंचा और चला चलाया कि अपने वाले वालदा से खाना मंगवाने तो उस पर उसकी वालद ने कहा आमर बेटा घर में कुछ खाने को नहीं है ये सुनकर आमर तैश में आ गया क्योंकि उस बहुत ज्यादा भूख लग रही थी वो चला 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 कर अपनी वालदा को बुरा भला कहने लगा इमरान ने उसे रोका मगर उसने किसी को एक बात ना सुनी इमरान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे उनके वालद से सब देखकर बुलक बुलक कर रो रही थी अगली सुबह माँ ने आंबर से कहा पहले काम काम कर रकम ला फिर घर में खाना पकेगा यह सु, सुनकर आबर राग भकव हो गया वो अपनी माँ का धमका दे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल गया जब वो अपने दोस्तों के पास पहुँचे तो उसके पा, पास पैसे ना होने की वजह से उसके दोस्त उससे जगरने झगड़ा करने लगे और उसे इतना मार कर वो जख़्मी होकर मी पर गिर पड़ा वो अगले ही वो गली में बेश होश पड़ा था तब चाचा करम दाद दाद का वहाँ से गुजर गुजर हुआ उन्होंने आमर को इस हालत में पाया और वो उसे अस्पताल ले गए और वहाँ से जब उसके घर में उसकी माँ का पता बताया तो वो बहुत परेशान हुई जब आमर वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि उसकी एक फिक्री में नौकर लग गया था फैक्ट्री में नौकर लग गया था नौकर लग गई थी उसके बाद बहुत खुश हुई लेकिन जब अमरान का अबर की इस बात का इलम हुआ तो वह बहुत परेशान हुआ